अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू लाइफ एंड इटली विद रूज। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक विद बटर क्रीम आइसक्रीम, और वो भी सॉस पैन में और विदाउट यूजिंग बीटर और कन्वेक्शन ओवन। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे 4 अंडे ले लें। इनको हैंड बीटर की मदद से बीट कर लें। जब आपको अंडों के ऊपर बबल्स नज़र आएँ तो आप इसमें 3/4 कप शुगर ऐड कर दें और फिर उसको साथ साथ बीट करते जाएं। शुगर आपने पोर्शंस में ऐड करनी है। थ्री टू फाइव मिनट्स के बाद अंडे काफ़ी फ्लफी हो जाएंगे। तो अब हम डाल देते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून वनीला पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इनको लम्स फ्री कर लेंगे। अब इसको हम सॉफ्ट हैंड्स के साथ मिक्स करेंगे, बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट रखेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम ऑयल डालेंगे और वाटर। ये थोड़ा सा गर्म है। 60 ml ऑफ वाटर लिया है और 40 ml ऑफ ऑयल। मिक्स करें इनको। तो अब आ गया हमारा फन पार्ट, क्योंकि हम ये बना रहे हैं सॉस पैन में। तो हम सॉस पैन को सबसे पहले ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयल लगा रही हूँ। इसके बॉटम में और साइड साइड्स पे ऑयल लगा दें और बटर पेपर के साथ लाइन कर दें। इसके अंदर केक मिक्सचर डाल दें। टैप करें ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। अब इसको हम गैस ओवन में बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। आफ्टर 50 मिनट्स हमारा स्पॉन्ज रेडी है। नाइफ की हेल्प से हम इसके एजेस जो है वो क्लीन कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। बटर पेपर रिमूव कर दें। देखें कितना सॉफ्ट फ्लफी स्पॉन्ज रेडी है। इसको अब हम लेयर्स में काट लेंगे। मैं इसकी 4 लेयर्स काट रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मोटी रखना चाहते हैं, आप थिक रखना चाहते हैं, वो आप पर है। आप 3 भी कर सकते हैं। मैंने इसके 4 काटी हैं और इसका टॉप क्लियर कर लिया है। अब हम बटर क्रीम की तरफ आते हैं। बटर क्रीम के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बटर, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर ये आप फ्रिज वाला या फ्रीजर वाला यूज़ करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। फोक की हेल्प से मैं इसको जो है वो बीट कर रही हूँ। ये देखें सॉफ्ट हो गया है। 2 मिनट के बाद ही इसको आप बीट करते रहें। अभी इतना सॉफ्ट हो गया है कि आप इसको बस की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मक्खन अब काफ़ी लाइट हो चुका है, क्रीमी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डबल क्रीम डाल रही हूँ 100 ग्राम्स। आप दूध भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप शुगर डाल रही हूँ। कास्टर शुगर है। शुगर आप पोर्शंस में ऐड करें और मिक्स करते जाएं। हमारी स्मूथ सिल्की बटर क्रीम रेडी है। अब इसके अंदर मैं कलर ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर
ब्लू कलर ऐड किया है क्योंकि मैं इसको ज़रा विंटर का टच देना चाहती थी। अब फाइनली हम केक कंपाइल कर देते हैं। चॉकलेट बेस रखें, बटर क्रीम लगाएं और इसी तरीके से हम बाकी सारी लेयर्स के साथ भी करेंगे। जो टॉप लेयर है केक की कवरिंग है उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसको आपको जो है नीट एंड क्लीन करना होता है। अगर आप टर्नेबल यूज़ कर रहे हैं टेबल तो वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि मैं कह रही हूँ। पाइपिंग बैग बना लिया है बटर पेपर से और मैं इसमें एक साइड पे ब्लू वाली बटर क्रीम लगा रही हूँ और दूसरे साइड पे मैंने वाइट बटर क्रीम रख दी है। ब्लू वाली मैंने ज़्यादा डाली है, वाइट कम डाली है। तो हम केक डेकोरेट कर लेते हैं। केक के आपके सामने फाइनल लुक आ गई। अब प्लीज़ इस केक को ट्राई करें और बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच।